ये रिसर्च प्लेलिस्ट का पार्ट टू है और इसमें हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कितनी होती हैं। सो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है ये रंजीत कुमार की बुक से था, मुझे थोड़ा सही लगा समझने के लिए तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो इन्होंने रिसर्च को मेजरली तीन टाइप में बांटा है, एप्लीकेशन बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड और इंक्वायरी मोड बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड में आता है प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, ऑब्जेक्टिव बेस्ड में आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इंक्वायरी मोड में आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रक्चर्ड होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसको हम आगे देखेंगे। इस बुक के अलावा जो मुझे लगा कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो इस बुक में मेंशन नहीं थे, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नंबर वन पे है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, नंबर टू पे है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, नंबर थ्री पे है फील्ड सिटिंग रिसर्च, नंबर फोर पे है लेबोरेटरी रिसर्च, नंबर फाइव पे है सिमुलेशन रिसर्च, नंबर सिक्स पे है क्लिनिकल रिसर्च, नंबर सेवन पे है हिस्टोरिकल रिसर्च, नंबर एट पे है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च, नंबर नाइन पे है कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च, नंबर टेन पे है डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च, नंबर इलेवन पे है एक्शन रिसर्च, नंबर ट्वेल्व पे क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नंबर थर्टीन पे इंडक्टिव रिसर्च और नंबर फोर्टीन पे है डिडक्टिव रिसर्च। इन सारे रिसर्च को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे जिससे आपका कभी क्वेश्चन गलत ना हो अगर टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आए तो। सो नंबर वन पे आता है प्योर रिसर्च। इसका मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस विच इज क्वाइट वेग। मतलब किसी थ्योरी को डेवलप करना या फिर उसको टेस्ट करना या फिर हाइपोथेसिस टेस्ट करना जो वेग हो, मतलब कि जिसके बारे में हमको क्लियरली कुछ पता ना हो, उसको बोलते हैं प्योर रिसर्च। इसके बहुत सारे नाम हैं जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। प्योर रिसर्च के यूजेस कौन कौन से होते हैं इसको हम देख लेते हैं। नंबर वन पे है डेवलपिंग अ सैंपल टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक ऐसा सैंपल टेक्निक डेवलप करना जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे अप्लाई हो सके। अब जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बोला था कि आप जाके पीडीएफ देख लीजिएगा जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन किया है, तो आपको पता चल गया होगा कि सैंपल टेक्निक होती क्या है जिससे आपको दिक्कत ना आ रहा हो। अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रहा है तो हम आने वाले वीडियोस में सारे टर्म्स को डिस्कस कर देंगे। दूसरा यूज है प्योर रिसर्च का डेवलपिंग अ मेथोडोलॉजी टू एक्सेस द वैलिडिटी ऑफ अ प्रोसीजर। मतलब ऐसा मेथोडोलॉजी डेवलप करना जो किसी प्रोसीजर का वैलिडिटी बता सके। नंबर थ्री पे आता है डेवलपिंग एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करना, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे टू मेजर द स्ट्रेस लेवल ऑफ पीपल, मतलब लोगों का स्ट्रेस नापने के लिए अगर कोई हम इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं तो वो प्योर रिसर्च के अंदर आता है। नेक्स्ट टाइप है रिसर्च का अप्लाइड रिसर्च, जिसका सिंपल मतलब होता है किसी भी कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ में अप्लाई करना, इसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। इसका एम होता है टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम, मतलब किसी तुरंत की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना ही अप्लाइड रिसर्च के अंदर आता है। और ये एक्सप्लोर करता है किसी भी थ्योरी की पॉसिबिलिटी अलग अलग सिचुएशन में, मतलब अलग अलग सिचुएशन में किसी भी थ्योरी की क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं ये एक्सप्लोर करने का ट्राई करता है। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसका मतलब होता है द मेन पर्पस ऑफ सच स्टडीज टू डिस्क्राइब व्हाट इज प्रिवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू इशू प्रॉब्लम अंडर द स्टडी। नॉर्मली जब हम किसी भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स जानने का ट्राई करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये जो चार टाइप की रिसर्च हैं इसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हमारे रिसर्च डिजाइन में काम आती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इन चारों रिसर्च का केवल एक ओवरव्यू देने का ट्राई किया है जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो, और आने वाले वीडियोस में हम इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब हम कुछ डिफरेंसेस जान लेते हैं प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में। सो प्योर रिसर्च के और भी नाम है, जैसा हमने अभी बताया था फंडामेंटल रिसर्च या फिर बेसिक रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च का दूसरा नाम है फॉर्मल रिसर्च। सो प्योर रिसर्च मेनली फोकस करता है किसी भी थ्योरी के जनरलाइजेशन में या फिर किसी भी थ्योरी को फॉर्मुलेट करने में, वहीं अप्लाइड रिसर्च फोकस करता है किसी भी सॉल्यूशन का इमीडिएट प्रॉब्लम ढूंढने में। प्योर रिसर्च को फॉलो करने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अप्लाइड रिसर्च को फॉलो करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ह्यूमन की, वो फंडामेंटल रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च पे बेस्ड है, सो इसको आपको याद रखना है। और जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो अक्सर पॉलिसी मेकिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में काम आता है, इसलिए मैंने बोला था इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप पॉलिसी मेकिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे दोनों रिसर्च में, और ये एमसीक्यू में पूछा गया है तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है कोरिलेशनल रिसर्च, जिसका नाम से मालूम चल रहा है ऐसा रिसर्च जो किसी एक सिचुएशन के दो एस्पेक्ट पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का ट्राई करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, सो पहला एग्जाम्पल है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन ऑन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के सेल्स में एडवर्टीजमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर ये जानने हम जाएंगे तो ये कोरिलेशनल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। अक्सर एग्जाम में ऐसा करके पूछ लेगा
कि अगर हम किसी प्रोडक्ट का सेल्स जानना चाहते हैं और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर ये जानना है, तो ये किस रिसर्च का एग्जाम्पल है, तो आपको ऑप्शन पर जाना है कोरिलेशन रिसर्च वाले पे। इसी तरीके से एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, मतलब कि फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी में क्या रिलेशनशिप है, ये भी जानना कोरिलेशन रिसर्च में आता है। थर्ड एग्जाम्पल है रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है तो दोनों में क्या रिलेशन है, अगर इसको जानेंगे हम तो ये कोरिलेशन रिसर्च में आता है। नेक्स्ट टाइप है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आता है। जैसा हमने भी बताया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, सो आपको अभी बस ये जान लेना है कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर में आता है और इट अटेम्प्ट्स टू क्लैरिफाई हाउ एंड व्हाई देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और फिनोमेना, मतलब कि किसी भी सिचुएशन के दो एस्पेक्ट के बीच में क्यों और कैसे रिलेशनशिप है, ये जानने का ट्राई करता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये मेजरली कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड है और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि एमसीक्यू में पूछता है कि किस टाइप के रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट का बात होता है, तो आप एक्सप्लेनेटरी अगर दिया रहेगा तो उसके साथ जाएंगे, वरना अगर एक्सपेरिमेंटल दिया रहेगा तो उसके साथ में आप जाएंगे। दो एग्जाम्पल्स इसके हैं, देख लेते हैं। पहला आता है वाई स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक, मतलब इसके पहले वाले रिसर्च टाइप में हम रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे थे, बट अब कारण जानेंगे क्यों स्ट्रेसफुल लिविंग की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है वाई अ डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी फॉलोड बाई फर्टिलिटी डिक्लाइन, मतलब कि किसी भी मोर्टेलिटी में डिक्लाइन फर्टिलिटी डिक्लाइन के बाद क्यों आता है, ये भी अगर हम जानने का ट्राई कर रहे हैं तो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आएगा। नेक्स्ट टाइप है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, मतलब जैसा नाम से मालूम चल रहा है एक्सप्लोर करना चीज़ों को, तो जिन चीज़ों के बारे में हमें कम पता होता है उन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहूँ तो बच्चे जब नया नया एडमिशन लेते हैं जेएनयू या बीएचयू ऐसे कैंपस में, बड़े कैंपस में, तो अगर 3 साल के लिए एडमिशन लिए हैं तो 2 साल तो कैंपस एक्सप्लोर करते हैं, मतलब कैंपस बारे में जानेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको बहुत मजा आता है जानने में, और 2 साल वो अपना ऐसे बिता देते हैं। फिर बचता है उनके पास 1 साल, तो उसमें से 6 महीना वो सेमेस्टर एग्जाम में बिताते हैं और लास्ट के 6 महीने में वो पीजी के लिए किसी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। यही हाल 80% बच्चों का रहता है और इसीलिए उनसे एंट्रेंस क्रैक नहीं हो पाता है। सेम जब वो मास्टर्स में आते हैं जेएनयू में, तो यहाँ भी आके वो 1 साल कैंपस एक्सप्लोर करते हैं, लास्ट के 6 महीना सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते हैं और जो बचा 6 महीना रहता है उसमें पीएचडी एंट्रेंस के लिए तैयारी करते हैं। तो एक्सप्लोर टर्म काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लोग एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, वो 24 घंटे में 16-16 घंटे एक्सप्लोर ही करते रहते हैं। सो इस एग्जांपल से शायद आप समझ गए होंगे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहाँ काम आती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शायद आप सुने होंगे कभी, पायलट स्टडी या फिर फिजिबिलिटी स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछा भी गया है बहुत बार एग्जाम में कि ये क्या होता है, और बच्चे बता नहीं पाते हैं कि पायलट स्टडी क्या होता है। मैंने तो 1-2 रिसर्चर से पूछा था पायलट स्टडी क्या होती है, वो भी नहीं बता पा रहे थे। सो प्लीज आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। इसका मतलब होता है अ स्मॉल स्केल स्टडी इज अंडरटेकन टू डिसाइड इफ इट इज वर्थ कैरिंग आउट अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन और नॉट, मतलब किसी भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन को करने से पहले हम छोटे लेवल पे हम सैंपल के रूप में कोई स्टडी करते हैं, ये जानने के लिए कि उस फील्ड में आगे बढ़ना ठीक है भी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि जेएनयू यूपीएससी के लिए कैसा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। सो अगर आपको जानना हो कि आपके लिए जेएनयू सूटेबल है यूपीएससी की तैयारी के लिए नहीं, तो आप यहाँ पे आएंगे, एडमिशन लेंगे, 1 महीना आप रह के देख लेंगे कि जेएनयू आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो जो 1 महीना आपने किया अपने 2 साल बचाने के लिए, उसको बोलेंगे पायलट स्टडी। आपने पायलट स्टडी कर लिया, अपने बड़े टाइम को ना गंवा के आपने छोटे टाइम में समझ लिया कि हमारे लिए क्या सूटेबल है क्या नहीं। इसी तरीके से जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमें अपना 3-5 साल लगाना होता है। सो किस टॉपिक को हम चुने हुए हैं, तो सारा इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम एक छोटे लेवल पे सैंपल के रूप में उस टॉपिक का स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं पायलट स्टडी। होप्स तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, नाम से फिर से मालूम चल रहा है ऐसा रिसर्च जो स्ट्रक्चर्ड वे में हो। अब स्ट्रक्चर्ड किस तरीके से हो, पहला उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, उसके डिजाइन क्लियर हो, उसका सैंपल क्लियर हो, उसके क्वेश्चंस क्लियर हो। सो इस वे में वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा और ये क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रक्चर्ड है तभी मेजर कर पाएंगे, अगर अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा तो मेजर नहीं कर पाएंगे। और इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं बड़े ही ईजी वे में। और इसी का अपोजिट है अनस्ट्रक्चर्ड, नाम से मालूम चल रहा है जो स्ट्रक्चर्ड ना हो, मतलब उसका डिजाइन नहीं क्लियर हो, उसका सैंपल नहीं क्लियर हो। जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने जाते हैं तो हमें उस बारे में पता नहीं होता है, तो हम पहले से स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हैं या फिर डिजाइन नहीं बना सकते हैं। तो उसको हम एक्सप्लोर करने जाएंगे तो हम एक फिक्स मेथड नहीं फॉलो करेंगे, उसी को बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। और ये क्वालिटेटिव होता है नेचर में, मतलब कि इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंसेस है दोनों में, आपको याद कर लेने हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। इन दोनों रिसर्च से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शायद किसी और टाइप ऑफ रिसर्च से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों। सो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और मैंने इसको डिटेल में बनाया भी है, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। सो सबसे पहले देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है।
नाम से मालूम चला है जो कि क्वालिटी के ऊपर बेस्ड हो, मतलब जिसको हम नंबर्स में मेजर ना कर पाए। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन की अगर फीलिंग है कोई, अगर ह्यूमन कुछ सोचता है उसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसी को बोलेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। और ये इंडक्टिव मेथड के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब कि बॉटम अप अप्रोच, मतलब कि नीचे से ऊपर जाना। चूंकि मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इंडक्टिव और डिडक्टिव पढ़ाने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसको मैंने आगे वाले वीडियोस में डिस्कस किया है कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। सो उसको मैंने अलग से डिस्कस कर दिया है अलग वीडियो में। और मैंने आपसे बोला था जो मैंने पीडीएफ अवेलेबल करवाया है टेलीग्राम चैनल पे टर्मिनोलॉजी ऑफ रिसर्च नाम से, उसको आपको पढ़ लेना है। सो अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आपको मालूम चल गया होगा कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है, और उसको डीप में हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव मेथड के ऊपर बेस्ड होता है, ये आपको याद कर लेना है। और कौन कौन से रिसर्च इसके अंदर आते हैं, और इस बार सीयूटी में पूछा भी गया था कि नैरेटिव रिसर्च किस रिसर्च के अंदर में आता है, डिडक्टिव या इंडक्टिव। सो मैंने वहां से एलिमिनेशन मेथड लगाया था क्योंकि मेरे नोट्स में ये मेंशन था। तो चूंकि मुझे ये मालूम था कि नैरेटिव मेथड क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर में आता है और क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव होता है, सो उसमें ऑप्शन था इंडक्टिव डिडक्टिव का, तो मैं इंडक्टिव के साथ गया था और मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। इस तरीके से आपको पढ़ना है कि अगर थोड़ा सा घुमा के भी पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। सो केस स्टडी मेथड भी क्वालिटेटिव होता है, नैरेटिव स्टडी भी क्वालिटेटिव होती है, फिनोमिनोलॉजी भी क्वालिटेटिव होता है, एथनोग्राफी भी क्वालिटेटिव होता है, कंटेंट एनालिसिस भी क्वालिटेटिव होता है, ग्राउंडेड थियरी भी क्वालिटेटिव होती है, सिंबॉलिक इंटरैक्निज्म भी क्वालिटेटिव होता है, इंटरव्यू भी क्वालिटेटिव होता है, फोकस ग्रुप भी क्वालिटेटिव होता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी क्वालिटेटिव होता है, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी क्वालिटेटिव होता है। ये सारे आपको याद कर लेने हैं, एक भी मिस नहीं करना है। और ये सब क्या क्या होता है, फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, एथनोग्राफी क्या होता है, ग्राउंडेड थियरी क्या होता है, इसको मैंने अलग से डिस्कस किया है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है टूल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये पेपर वन में पूछा गया था कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए काम में आते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको सारा याद कर लेना है। सो नाम हो सके मैं गलत प्रोनाउंस करूँ, बट आपको याद कर लेना है, मैक्स QDA ये टूल्स है क्वालिटेटिव रिसर्च का, क्यूरिकोस ये भी टूल्स है क्वालिटेटिव रिसर्च का, मंकी लर्न ये भी टूल है, और क्वालट्रिक्स ये भी टूल है। सो कौन कौन से टूल्स होते हैं आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये पूछा गया है PYQ में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव, जो कि क्वालिटेटिव का अपोजिट होता है, और ये क्वांटिटी के ऊपर बेस होता है, मतलब जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। इसका एम होता है किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, और ये डिडक्टिव मेथड के ऊपर बेस होता है। इंडक्टिव का मतलब होता है बॉटम अप, और डिडक्टिव का मतलब होता है टॉप डाउन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियोज में, बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि डिडक्टिव मेथड क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये गाइडेड बाय पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी है, मतलब जो हम पढ़ते हैं पॉजिटिविज्म अगस्त कॉम्प्ट का, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। सोशियोलॉजी में आपने जरूर पढ़ा होगा कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग सोशियोलॉजिस्ट नहीं है उनके लिए जो मैंने टर्मिनोलॉजी और PDF मेंशन किया है टेलीग्राम चैनल पे, उस पे मिल जाएगा क्या होता है पॉजिटिविज्म। अगर वहां ना मिले तो इस प्लेलिस्ट के आप दूसरे वीडियो देख लीजिएगा, वहां जरूर मिल जाएगा। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के एग्जांपल्स हैं कुछ, आपको इनको याद कर लेना, जैसे क्वालिटेटिव में था वैसे क्वांटिटेटिव में है। सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंट्स, कोरिलेशन रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, मेटा एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस, बिग डाटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालॉजी, ये सारे एग्जांपल है क्वांटिटेटिव के। इन सारों को आपको याद कर लेना है, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। जितने हार्ड टर्म्स अब तक थे उसको अभी तक हमने पढ़ लिया है, अब यहाँ से काफी इजी हो जाएगा आपको याद करना और समझना। सो नंबर वन पे आता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अगर इसको एक लाइन में समझना हो तो मतलब सिंगल टाइम में डिफरेंट पॉपुलेशन का स्टडी करना ही क्रॉस सेक्शनल कहलाता है। मतलब टाइम एक ही रहेगा, मतलब अगली बार आप नहीं जाएंगे उस पॉपुलेशन का रिसर्च करने, बट पॉपुलेशन आप अलग अलग चुन सकते हैं, मतलब लोगों को आप अलग अलग चुन सकते हैं, बट एक ही बार फिर से आप उनका स्टडी करने नहीं जाएंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इस तरीके से इजी वे में आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता है कि अगर हम बार बार जा रहे हैं तो वो कौन सा होगा, या फिर हम एक बार जा रहे हैं तो वो कौन सा होगा। तो अगर एक बार जा रहे हैं किसी को स्टडी करने वो होगा क्रॉस सेक्शनल, और अगर बार बार जा रहे हैं तो उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आएगा लॉन्गिट्यूडनल में। सेकेंड नंबर पर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जिसमें हम पॉपुलेशन सेम रहेगी हमारी बट डिफरेंट टाइम में, मतलब एक बार जाएंगे फिर कुछ समय बाद जाएंगे फिर कुछ समय बाद जाएंगे स्टडी करने, और ये देखेंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं उस पॉपुलेशन में। यहाँ पे पॉपुलेशन सेम रहेगा बट टाइम अलग रहेगा, और इसके पहले वाले में पॉपुलेशन वेरी कर सकती है बट एक ही बार जाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है फील्ड स्टडिंग रिसर्च। नाम से ये मालूम चल रहा है ऐसी रिसर्च जिसका जाके हम फील्ड में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फील्ड स्टडी रिसर्च, ये लेबोरेटरी की तरह नहीं होता है। फोर्थ नंबर पे आता है लेबोरेटरी रिसर्च। नाम से इसका भी मालूम चल रहा है कि ऐसी रिसर्च जो हम लैब में करते हैं, बहुत सारा कंट्रोल होता है हमारे पास सारे वेरिएबल के ऊपर, तो ये हो गया लेबोरेटरी रिसर्च। फिफ्थ नंबर पर आता है सिमुलेशन रिसर्च। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कॉपी करना, तो अगर कंप्यूटर में हम रियल लाइफ चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं और कंप्यूटर में ही वर्चुअली स्टडी करते हैं किसी चीज़ का, इसको बोलते हैं सिमुलेशन रिसर्च। ये सब कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे,
तो जितना इम्पोर्टेंट जो है उसको हम उसी हिसाब से टाइम देते हैं। यही हमारा तरीका होना चाहिए स्मार्ट वे में पढ़ाई करने का, कि जो चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट हैं उसको हम उतना ही टाइम दें। ज़्यादा टाइम देने से कुछ मिलेगा नहीं, क्वेश्चन आने वाले नहीं है। सो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा ये सब होते क्या हैं, कि मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया तो आप लॉजिक लगा के एलिमिनेट कर पाएँ। 6 नंबर पर आता है क्लिनिकल रिसर्च। ये अक्सर मेडिसिन यूज होता है। अगर एग्जाम्पल से हम समझना चाहें तो जब कोविड आया था उसके लिए जब वैक्सीन बन रही थी तो ऐसा नहीं हुआ था कि वैक्सीन बना के डायरेक्ट हमारे ह्यूमन सारे लोग के ऊपर लगा दिया गया था। पहले कुछ पॉपुलेशन को लिया गया था, उनके ऊपर रिसर्च किया गया, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो ही उसको आगे मास लेवल पे अप्लाई किया गया था। इसी को बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च। अगर आपने क्रिस 3 मूवी देखी होगी उसमें भी सेम होता है। पहले क्रिस के फादर और क्रिस अपने ऊपर कोई वैक्सीन टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही उनको पूरे इंडिया में फैलाते हैं। तो वो भी एक एग्जाम्पल है क्लिनिकल रिसर्च का। और इस तरीके से आप सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख भी सकते हैं। 7 नंबर पर आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। इसका भी नाम से मालूम चल रहा है कि जब हम हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं बहुत सारे और उसको पढ़ते हैं, फिर हम कुछ इन्फ्लुएंस निकालते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट है कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च। इसका भी नाम से मालूम चल रहा है, ऐसा रिसर्च जिसका मेन फोकस कंक्लूजन बनाने पे हो, कि हमें कोई कंक्लूजन बनाना है तो उसके लिए हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, हमारा लास्ट में कंक्लूजन बन जाना चाहिए। 9 नंबर पर आता है डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च, जिसमें हम डिसीजन लेने के लिए कोई रिसर्च करते हैं। अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं उसके पहले हम रिसर्च करेंगे और उस रिसर्च से जो हमारा डाटा आएगा उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। 10 नंबर पर आता है एक्शन रिसर्च, जो कि प्रोपाउंड किया गया था कर्ट लेविन द्वारा 1940 में। आपको याद कर लेना है कि एक्शन रिसर्च को किसने प्रोपाउंड किया था, तो कर्ट लेविन 1940। और इसका दो और नाम है, साइकिल ऑफ एक्शन या फिर साइकिल ऑफ इंक्वायरी। ये अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है जिसको हम अप्लाई करते हैं। एक्शन का नाम से मालूम चल रहा है कि एक्शन में लाना, किसी चीज़ को काम में लाना। सो जब हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है उसके इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का या फिर एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका भी नाम से मालूम चल रहा है, ऐसा रिसर्च जो क्वासी मतलब आधा एक्सपेरिमेंटल हो, पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल ना हो। पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होने में हम सारी चीज़ें रैंडमली लेते हैं और हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में हम पार्टिसिपेंट ग्रुप को रैंडमली चूज नहीं करते हैं, इसमें अपने हिसाब से डिलिबरेटली चूज करते हैं, मतलब नॉन रैंडम तरीके से यूज करते हैं। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये चारों हम रिसर्च डिज़ाइन पढ़ते वक्त डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें पढ़ना। सो उनके बारे में हम डीप में तब जानेंगे और उसी समय हम एक बार कंपैरिजन भी कर लेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। इस तरीके से कितने टाइप के रिसर्च होते हैं ये हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो गया। और इसका MCQ जाके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लगा लेना है और जो PDF मैंने प्रोवाइड किया उसको पढ़ लेना है। अगर इतना आपने कर लिया तो शायद टाइप्स ऑफ रिसर्च से आपका क्वेश्चन गलत ना हो कभी। और जैसे जैसे आप MCQ लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया होता जाएगा कि बेसिक कवर करने के बाद कितना आसान हो जाता है हमारे लिए चीज़ें करना। और अगर कुछ MCQ जो आते हैं तो गलतियाँ भी होंगी तो उनसे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो MCQ भी आपका एक माध्यम बन जाएगा लर्निंग का।